कहा जाता है कि भारत का कानून जो है एकदम से लचीला है, भारत का संविधान जो है एकदम से लचीला है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 7-8 कत्ल करने वाले की फांसी की सज़ा को माफ़ कर दी जाती है, उसकी फांसी की सज़ा होने के बाद उसे रिहाई कर दिया जाता है। तो भारत का, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का कानून जो है वो कितना लचीला है और कितना जो है कमज़ोर है, कि 8 कत्ल करने वाले कि फांसी की सज़ा को रिहाई में बदल दी जाती है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल जो है वो क्यों नहीं बढ़ेगा, अपराधियों का मनोबल जो है वो क्यों नहीं टाइट रहेगा। अपराधी कत्ल दर कत्ल करते जाते हैं और सज़ा उन्हें ना के बराबर होती है। ज़रूर है कि अपराधियों का मनोबल टाइट होगा, एक कत्ल, दूसरा कत्ल, तीसरा कत्ल, चौथा और सातवां आठवां कत्ल जब वो कर देता है उसके बाद भी भारत का कानून जो है उसे रिहा कर देता है, तो समझिए कि भारत एक कानून जो है, कौन सा ये कानून है कि अपराधियों को सज़ा के बदौलत उन्हें इनाम दे दिया जाता है कि और मर्डर करो और हत्या करो। ये घटना पुणे की है, साल 1994 की ये घटना है, 26 अगस्त 1994 की ये घटना है कि संजय राठी नाम का एक व्यापारी होता है जो मिठाई की दुकान चलाता है और वो एक बड़ा दुकान चलाता है मिठाई की। मिठाई की दुकान चलाते चलाते वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया था। इसके बाद जो है अब उसको उसके पैसे की, पैसे देखकर किसी की बुरी नज़र उस पर पड़ जाती है और बुरी नज़र इस तरह पड़ती है उसके परिवार सहित, उसके बच्चे और बहन के सहित 8 लोगों का कत्ल उसके ही घर में कर दिया जाता है। रक्षाबंधन का समय होता है, रक्षाबंधन जब आता है उसकी बहन उसके घर नहीं पहुंचती है जिसका नाम हेमलता होता है, हेमलता उसके घर नहीं पहुंच पाती है और रक्षाबंधन के बाद वो बताती है अपने भाई संजय राठी से फ़ोन करके कि मैं रक्षाबंधन के बाद आकर तुम्हें राखी बांधूंगी। इसके बाद रक्षाबंधन ख़त्म हो जाता है, वो अपने भाई संजय राठी के पास हेमलता जो है वो पहुंचती है, 4 दिन के बाद पहुंचती है। उसके साथ उसका बेटा प्रतीक भी रहता है और उसके साथ उसका हस्बैंड भी पहुंचते हैं। उसके हस्बैंड जब पहुंचते हैं सभी लोग उसके घर पहुंचते हैं और राखी बंधवाने के लिए, रक्षाबंधन के बाद ही राखी बंधवाने के लिए वो लोग तैयार होते हैं, राखी बांधी जाती है और वो अपने संजय राठी अपने जीजा के साथ जो है बाहर बाजार करने के लिए चला जाता है, कुछ सामान खरीदने के लिए चला जाता है कि अपनी बहन को गिफ्ट देना है। बहन आई है, वो भी अपने हस्बैंड के साथ आई है, तो वो सामान खरीदने के लिए अपने जीजा के साथ चला जाता है, गिफ्ट खरीदने के लिए चला जाता है। इसके बाद घर में उसकी माँ, उसकी नौकरानी, उसकी दोनों बहन और उसका भांजा जो है घर में रहता है। इसके बाद होता क्या है कि उसके घर में काम करने वाले लोग होते हैं, उसकी मिठाई की दुकान पर राजू चौधरी नाम का एक शख्स जो है काम करता था, उसे 600 रुपये पेमेंट दी जाती थी और राजू चौधरी जो है राजस्थान के श्री गंगानगर का रहने वाला था। उसे 600 रुपये जब मिलती थी, ये बात 1994 की है, 600 रुपया बहुत ज़्यादा हो जाता है आज के युग में, तो वो 600 रुपये से उसे पेट नहीं भरता था, वो शराब के नशे में कयादी हो चुका था और शराब का नशा करता था, 600 रुपये में कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए वो वहाँ से काम छोड़ देता है। इसके बाद उसके दो साथी होते हैं, एक का नाम नारायण राम होता है और एक का नाम जितेंद्र राम होता है। इसके बाद ये दोनों तीनों जो हैं लूट की योजना बनाते हैं और तीनों लोग एक दूसरे व्यापारियों के घर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद होता क्या है कि नारायण राम, जितेंद्र राम और राजू चौधरी जो है वो प्लान बनाते हैं कि कौन सा घन्ना सेठ है उसको लूटा जाए, उसका कत्ल किया जाए और पैसे रुपये लूट कर यहाँ से भागा जाए। इसके बाद तीनों लोग योजना बनाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा सेठ जो है कितना धनी है, तुम्हारा सेठ जो है कितना धनी है। ये तीनों लोग आपस में शराब पीते हैं एक बार में बैठकर, उसके बाद प्लान वहीं पर बनाते हैं। तो राजू चौधरी कहता है कि हमारा सेठ जो है संजय राठी जो है वो काफ़ी पैसे वाला है
और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उसी को लूटा जाए। और तीनों प्लान बना लेते हैं और दोपहर का समय होता है, समझिए कि दिन में दोपहर का समय होता है, और संजय राठी अपने जीजा के साथ बाजार गए होते हैं। इसके बाद उसके घर पहुंचते हैं ये तीनों अपराधी और उसके घर में उसके दरवाजे को खुलवाते हैं। हालांकि राजू चौधरी जो है मना भी करता है, ये सब पाप वाला काम है, किसी की हत्या करना बुरा काम है, लेकिन नारायण राम और जितेंद्र राम जो हैं ये दोनों दलित समुदाय के थे, उन्हें रोकते हैं। लोग कहते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन दलित समाज का व्यक्ति भी अपराधी हो जाता है तो लगता है कि अब समाज में बदलाव हो गया है, दलित समाज भी जो है अपराध की दुनिया में कदम रख चुका है। जो दलित पहले डर डर के जीता था वो दलित आज क्रिमिनल बन रहा है, और लोग कहते हैं, आज भी लोग कहते हैं कि दबाया जा रहा है। ये 1994 की घटना है, 94 ही में ही दलित समाज की कितनी हिम्मत थी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितने अपराधी होंगे, जब ये पुणे जैसी शहर में घटना हुई थी। तो ये दोनों नारायण राम और जितेंद्र राम जो हैं राजू चौधरी को जाने से रोकते हैं कि तुम्हें भी इसमें इस अपराध में शामिल होना है, नहीं तो तुम्हारा ही कत्ल कर देंगे। राजू चौधरी दरवाजा को खुलवाता है, नौकरानी दरवाजा खोल देती है, इसलिए कि नौकरानी जानती थी उसके घर वो आता जाता रहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसने काम छोड़ दिया है। सबसे पहले घर की मालकिन संजय राठी के माँ को बुलाता है और पूछता है कि संजय कहाँ गया है, तो वो बताती हैं संजय राठी की माँ कि वो बाजार गया हुआ है अपने जीजा के साथ रक्षाबंधन राखी बांधने के लिए, जो है गिफ्ट देने के लिए गया है। तो पूछता है कि राखी बंधन तो ख़त्म हो गई है, तो उसकी माँ बताती है कि रक्षाबंधन के दिन हमारी बेटी हेमलता जो है यहाँ नहीं आई थी, इसलिए वो राखी बंधवाने के लिए बाद में आई है। और उसे मौका मिल जाता है कि सभी परिवार का एक ही साथ कत्ल करने का। उसके बाद वो संजय राठी की माँ से पूछता है कि आपके पास जितने गहने और रुपये हैं वो हमें दे दीजिए। और 1994 में फ़ोन तो सबके घर थी नहीं, इसलिए फ़ोन भी नहीं लगा सकते थे, दरवाज़ा बाहर से अंदर से बंद किए हुआ था। और शहर में जानते हैं कोई किसी का मतलब नहीं रहता है कि अगल बगल वाले लोग भी आकर आपको बचाएं, गांव देहात में रहता है कि थोड़ा सा भी शोर अगर सुनाई देता है तो लोग पहुंच जाते हैं पता करने के लिए कि इनके घर में क्या हो रहा है। लेकिन शहरों के लोग स्वार्थी होते हैं और पता भी नहीं करते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है। और वो संजय राठी की माँ को पास जितने रुपये होते हैं 500-1000 के जो गड्डी होते हैं वो उन्हें अपने पास लूट लेते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत 1-1.5 लाख के गहने होते हैं उसे भी लूट लिया जाता है और वो अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद पूछते हैं कि और भी क्या क्या है, और नारायण राम जो है वो जितेंद्र राठी की माँ का कत्ल कर देता है, संजय राठी की माँ का कत्ल कर देता है, चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी हेमलता के पास जाते हैं, संजय राठी की पत्नी के पास जाते हैं, उनके पास भी जो गहने थे जो उनके पास रुपये थे उसे लूट लेते हैं और उनका भी चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर देते हैं। और उनकी पत्नी गर्भवती थी जिसके पेट में 8 माह का बच्चा था, उसकी भी हत्या हो जाती है। सोचिए ये कितने बड़े अपराधी हैं नारायण राम और जितेंद्र राम। राजू चौधरी उन्हें मना भी करता है कि आप लोग इन महिलाओं को मत मारिए, लेकिन वो मानता नहीं है, राक्षसी प्रवृत्ति जो है उस दलित समाज के व्यक्ति में समा चुकी थी और उसने हेमलता की भी हत्या कर देती है। उसके पेट में पल रहे गर्भवती थी और उसके पेट में पल रहे बच्चे भी की भी हत्या हो जाती है, उसे भी चाकुओं से गोद कर हत्या कर देता है। कितना जघन्य अपराध इसने किया है, जो सजा के फांसी के माफ़ करने के लायक ही कभी नहीं हो सकता है, उसे सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर जो है कर देना चाहिए था। उसके बाद उसका भांजा जो है प्रतीक के पास जाता है, प्रतीक को भी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है, जबकि राजू चौधरी कहता है कि हम इसके नानी के पास इसे पहुंचा देंगे, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी बहन जो थी उसकी भी हत्या कर दी जाती है, संजय राठी की बहन की भी हत्या कर दी जाती है, उसके बेटे की भी हत्या कर दी जाती है नारायण राम और जितेंद्र राम के द्वारा। राजू चौधरी से मना भी करता है लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं होते हैं। उसके बाद उसकी छोटी बहन जिसका नाम प्रीति था उसे बाथरूम में ले जाता है, उसके साथ घिनौना हरकत करता है, उसके साथ रेप करता है नारायण राम और जितेंद्र राम।
राजू चौधरी वहाँ भी मना करता है, ये सब काम मत करो, हत्या कर रहे हो तो तू फिर रेप और बलात्कार मत करो। लेकिन वो दोनों अपराधी जो दलित समाज के अपराधी थे, नारायण राम और जितेंद्र राम, ये दोनों उसे उस लड़की के साथ, प्रीति के साथ, जिसकी उम्र मात्र 15 साल होती है, नाबालिग होती है, उसके साथ उसे नंगा करके उसके साथ रेप करते हैं, उसके सारे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, अंत में उसे चाकू से गोद कर उसकी हत्या भी कर देते हैं। मतलब 8 हत्या जो हो घर में हो जाती है और पड़ोसियों को खबर तक नहीं लगती है, चीखने पुकारने की आवाज़ जो है काफ़ी आता है, फिर भी जो है लोग अनसुना कर देते हैं। अंत में नौकरानी बचती है, उसकी भी चाकुओं से गोद कर जितेंद्र राम जो है उसकी हत्या कर देता है। मतलब 7 कत्ल जो है वो नारायण राम करता है और 8वां कत्ल जो है वो जितेंद्र करता है। राजू चौधरी ने तो कोई कत्ल नहीं किया था, लेकिन इन सब कत्लों का सिलसिला जो है जारी रहा और 7-8 जो है लोग मर गए, उनकी हत्या हो चुकी थी बाहर से दरवाज़ा फांद कर। ये तीनों अपराधी जो हैं, नारायण राम, जितेंद्र राम और राजू चौधरी, वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब संजय राठी और उसके जीजा घर पहुँचते हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद था, उन्हें कुछ शक होता है और देखते हैं कि ये क्या हो गया है घर में। सबसे पहले दरवाज़ा तोड़ कर घुसते हैं, अगल बगल के पड़ोस के लोग भी पहुँचते हैं उसकी चीख पुकार सुनकर, तो देखते हैं कि सबसे पहले नौकरानी की हत्या किचन में कर दी गई है। बाथरूम में जाते हैं तो उसकी छोटी बहन प्रीति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसके साथ रेप किया गया था। भांजा प्रतीक की भी हत्या हो गई थी। इसके बाद संजय राठी के पुत्र की भी हत्या हो गई थी, गर्भ में पल रहे शिशु की भी हत्या हो गई थी, उनकी पत्नी की भी हत्या हो गई थी, उनकी माँ की भी हत्या हो गई थी। कुल मिलाकर 8 लोगों की हत्या हो गई थी। ये खबर जो है काफ़ी पुणे में फैल जाता है, आग की तरह ये खबर फैल जाती है कि एक ही परिवार के 8 लोगों का नौकरों ने कत्ल कर दिया है, जिसमें तीनों आरोपी जो है गिरफ्तार हो जाते हैं। पुणे पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, उसे जेल में डाला जाता है, हाईकोर्ट उसे फांसी की सजा देता है। इसके बाद फांसी की सज़ा इस तरह दी जाती है कि वो बच नहीं सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उसकी फांसी को माफ़ नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट भी इसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखता है। तब तक 2016 की घटना आ जाती है, 2016 में वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी है उसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखता है। लेकिन नारायण राम, जिसने 8 कत्ल के 7 कत्ल किए थे, उसका दिमाग जो है खुफिया विभाग के अधिकारियों की तरह दौड़ने लगता है, सातिर दिमाग का था वो, और वो 2023 में राष्ट्रपति के पास एक अपील भेजता है, माफ़ीनामा भेजता है कि जिस समय हमने कत्ल किया था उस समय हमारी उम्र जो है 12 साल थी, और जब उससे डॉक्यूमेंट मांगा गया था तो पुलिस ने 12 साल में ही उसके डॉक्यूमेंट पर उसका FIR लिख ली थी। अब तो जब वो नाबालिग के श्रेणी में आ जाता है, जुनेवाइल एक्ट में उसे सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील दायर की जाती है, और वो नाबालिग होने के कारण उसे सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर देता है। अब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर सभी जगह फैल जाती है, 2023 की घटना, जब 2023 में उसकी फांसी को माफ़ किया जाता है। बाकी दोनों अपराधी तो जेल में ही थे, राजू चौधरी और जितेंद्र राम, नारायण राम को बड़ी कर दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की कोर्ट जो है कितना लचीला है, भारत का कानून जो है कितना लचीला है, कि 8-8 कत्ल करने वाले अपराधी को की सज़ा से मुक्त कर दिया जाता है, जो हाई कोर्ट उसे उसकी सज़ा को, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में ही तब्दील कर दिया था, लेकिन उस उम्र कैद में तब्दील किया था कि और तब तक सजा था जब तक उसकी मौत न हो जाए जेल में। वही सुप्रीम कोर्ट फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर, फर्जी डॉक्यूमेंट जब उसकी पुलिस द्वारा दी जाती है, वो होता है 24 से 25 साल का, लेकिन 12 साल या 15 साल की उसकी डॉक्यूमेंट दी जाती है पुलिस के द्वारा,
वैसे पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन भारत का कानून इतना लचीला है, इतना कमज़ोर है कि 8-8 कत्ल करने वाले अपराधी की फांसी की सज़ा को माफ़ कर दी जाती है और कोर्ट इस हिसाब से उसे बड़ी कर देता है। और ये सोशल मीडिया में 2023 तब तक आ चुका था और सोशल मीडिया में इस खबर को तेज़ी से ये खबर फैल जाती है, इस 8-8 कत्ल करने वाले अपराधी की रिहाई। तो इस तरह की घटनाएं और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो इस तरह से भी मार्मिक घटनाएं हैं। कहाँ है हमारा समाज, कहाँ है हमारा कोर्ट? आखिर उस कोर्ट में कौन लोग बैठे हैं, किस तरह के मानसिकता के लोग बैठे हैं जो अपराधियों की फांसी की सज़ा को माफ़ कर देते हैं? अपराधी चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो कितना भी कम उम्र का हो, अगर वो अपराध करता है उसे सख्त से सख्त अगर सज़ा नहीं दी जाएगी तो फिर अपराधी इसी तरह अपराध करते रहेंगे और सज़ा जो है माफ़ होती रहेगी। सबसे ज़्यादा अपराध करने वाले नाबालिग बच्चे होते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान नहीं होता है कि हमारी आगे की स्थिति क्या होगी, हमारा जो है इतिहास क्या होगा, हमारा वर्तमान क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, और वो कत्ल दर कत्ल करते चले जाते हैं और हीरो बनने के चाह में, बड़ा बनने के चाह में वो कत्ल दर कत्ल करते चले जाते हैं और कोर्ट जो है उन्हें सज़ा माफ़ करते चली जाती है, रिहाई देते चली जाती है और वो एक बड़ा अपराधी बन जाता है, फिर पुलिस के लिए नासूर बन जाता है, सरदर्द बन जाता है। तो वैसे कोर्ट में बैठे वैसे लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है जो लोग अपराधियों की सज़ा को माफ़ करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये हकीकत घटना है, पुणे की घटना है, 1994 की घटना है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।